अपन पूर्व में डाइवर्जेंस वी का मान निकाल चुके हैं और अपन ने देखा कि डाइवर्जेंस वी का मान होता है डेल डॉट वी विच इज इक्वल टू वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल वी वन एच टू एच थ्री अपॉन डेल क्यू वन प्लस डेल वी टू एच टू एच थ्री एच वन अपॉन डेल क्यू टू प्लस डेल वी थ्री एच वन एच टू अपॉन डेल क्यू थ्री, जहाँ पे एच वन एच टू और एच थ्री स्केल फैक्टर्स हैं। आज अपन निकालेंगे लैप्लेशियन ऑपरेटर का मान ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, और अपन जानते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है डेल टू साई विच इज इक्वल टू, जिसको अपन लिख सकते हैं डेल डॉट डेल साई। तो डेल डॉट डेल साई का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि अपन ने डाइवर्जेंस डेल डॉट वी का मान निकाल रखा है। यदि अपन वी को अपन डेल साई से रिप्लेस कर दें, डाइवर्जेंस वी वाली इक्वेशन में यदि वी को अपन डेल साई से रिप्लेस कर दें तो अपने पास डेल डॉट डेल साई का मान आ जाएगा। तो डेल डॉट डेल साई का मान कितना आएगा, डेल अपॉन डेल क्यू वन वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री रही, डेल अपॉन डेल क्यू वन एच टू एच थ्री वी वन, वी वन मतलब डेल साई वन, और डेल इसी तरह से यहाँ पे डेल अपॉन डेल क्यू टू एच वन एच थ्री डेल साई टू प्लस डेल अपॉन डेल क्यू थ्री एच वन एच टू डेल साई थ्री। और डेल साई वन का मान अपन ने जब ग्रेडियंट साई निकाला था तो उस समय अपन ने देखा था कि इसका मान होता है वन अपॉन एच वन डेल साई अपॉन डेल क्यू वन। डेल साई वन का मान होता है वन अपॉन एच वन डेल साई अपॉन डेल क्यू वन। तो आप देखेंगे कि डेल टू साई यानी लैप्लेशियन ऑपरेटर डेल टू साई का मान हो जाएगा वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल अपॉन डेल क्यू वन एच टू एच थ्री, और डेल साई वन की जगह वन अपॉन एच वन डेल साई अपॉन डेल क्यू वन। इसी तरीके से डेल साई टू का मान रखेंगे अपन यहाँ पे वन अपॉन एच टू डेल साई अपॉन डेल क्यू टू, और इस तरह से डेल साई थ्री का मान रखेंगे अपन वन अपॉन एच थ्री डेल साई अपॉन डेल क्यू थ्री। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी डेल टू साई की वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल अपॉन डेल क्यू वन इंटू एच टू एच थ्री अपॉन एच वन डेल साई अपॉन डेल क्यू वन प्लस डेल अपॉन डेल क्यू टू एच थ्री एच वन अपॉन एच टू डेल साई अपॉन डेल क्यू टू प्लस डेल अपॉन डेल क्यू थ्री एच वन एच टू अपॉन एच थ्री डेल साई अपॉन डेल क्यू थ्री। ये डेल टू साई का मान है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज कर्ल। नाउ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज रिटन एज डेल क्रॉस वी, और डेल क्रॉस वी का मान होता है डेल क्रॉस यू वन यू वन प्लस यू टू वी टू प्लस यू थ्री वी थ्री, या इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस यू वन वी वन प्लस डेल क्रॉस यू टू वी टू प्लस डेल क्रॉस यू थ्री वी थ्री। अब डेल क्रॉस यू वन वी वन का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक तो ये वेक्टर एंटिटी ध्यान में रखेंगे अपन कि कर्ल फाई ए बराबर होता है फाई कर्ल ए माइनस ए क्रॉस ग्रेडियंट फाई। तो डेल क्रॉस यू वन वी वन का मान कितना हो जाएगा, वी वन डेल क्रॉस यू वन माइनस यू वन डेल वी वन, यू वन क्रॉस डेल वी वन, ये क्रॉस है यहाँ पे, ठीक है, यू वन क्रॉस डेल वी वन। डेल क्रॉस यू वन का मान अपन ने जब डाइवर्जेंस वाली इक्वेशन निकाली थी तो डेल क्रॉस यू वन का मान था अपना, ये देखिए आप, यू टू अपॉन एच वन एच थ्री डेल एच वन अपॉन डेल क्यू थ्री माइनस यू थ्री अपॉन एच वन एच टू डेल एच वन अपॉन डेल क्यू। तो ये वाला मान यदि अपन डेल क्रॉस यू वन वी वन वाली इक्वेशन में रखेंगे तो अपने पास डेल क्रॉस यू वन वी वन कितना आ जाएगा, वी वन, और ये डेल क्रॉस यू वन का मान जो भी अपन ने देखा ही है, यू टू अपॉन एच वन एच थ्री डेल एच वन अपॉन डेल क्यू थ्री माइनस यू थ्री अपॉन एच वन एच टू डेल एच वन अपॉन डेल क्यू टू माइनस यू वन क्रॉस डेल वी वन। तो यू वन क्रॉस डेल वी वन का मान कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट साई वाली इक्वेशन में साई की जगह वी वन से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये मान कितना हो जाएगा, यू वन अपॉन एच वन डेल वी वन अपॉन डेल क्यू वन प्लस यू टू अपॉन एच टू डेल वी वन अपॉन डेल क्यू टू प्लस यू थ्री अपॉन एच थ्री डेल वी वन अपॉन डेल क्यू थ्री। इसको अब अपन सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मेरी ये आ जाएगी, यू टू अपॉन एच थ्री एच वन डेल वी वन एच वन अपॉन डेल क्यू थ्री माइनस यू थ्री अपॉन एच वन एच टू डेल v1 h1 अपॉन डेल q2। और बाई सिमेट्री
अपन डेल क्रॉस यू टू वी टू का मान भी इसी हिसाब से ले सकते हैं कि डेल क्रॉस यू टू वी टू का मान ये होगा यू थ्री अपॉन एच वन एच टू डेल वी टू एच टू अपॉन डेल क्यू वन माइनस यू वन अपॉन एच टू एच थ्री डेल वी टू एच टू अपॉन डेल क्यू थ्री। और इसी तरह से डेल क्रॉस यू थ्री वी थ्री का मान हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यू वन अपॉन एच टू एच थ्री डेल वी थ्री एच थ्री अपॉन डेल क्यू टू माइनस यू टू अपॉन एच वन एच थ्री डेल वी थ्री एच थ्री अपॉन डेल क्यू वन। तो कर्ल वी का मान कितना हो जाएगा, कर्ल वी अपन जानते हैं विच इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी विच इज इक्वल टू डेल क्रॉस यू वन यू वन प्लस डेल क्रॉस यू टू वी टू प्लस डेल क्रॉस यू थ्री वी थ्री। डेल क्रॉस यू वन यू वन का मान अपन ने निकाल रखा है, डेल क्रॉस यू टू वी टू का मान भी अपन ने निकाल रखा है, डेल क्रॉस यू थ्री वी थ्री का मान भी निकाल रखा है। यदि अपन इसको तीनों को मान को कर्ल वी के मान में रखेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी डेल क्रॉस वी की, डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू यू वन अपॉन एच टू एच थ्री डेल वी थ्री एच थ्री अपॉन डेल क्यू टू माइनस डेल वी टू एच टू अपॉन डेल क्यू थ्री प्लस यू टू अपॉन एच थ्री एच वन डेल वी वन एच वन अपॉन डेल क्यू थ्री माइनस डेल वी थ्री एच थ्री अपॉन डेल क्यू वन प्लस यू थ्री अपॉन एच वन एच टू डेल वी टू एच टू अपॉन डेल क्यू वन माइनस डेल वी थ्री डेल वी वन एच वन अपॉन डेल क्यू टू। ठीक है, यहाँ पे एच वन एच टू है। और इसी चीज़ को अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू कर्ल वी इज इक्वल टू वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री एच वन यू वन एच टू यू टू एच थ्री यू थ्री डेल अपॉन डेल क्यू वन डेल अपॉन डेल क्यू टू डेल अपॉन डेल क्यू थ्री वी वन एच वन वी टू एच टू एंड वी थ्री एच थ्री। तो ये कर्ल वी का मान हो गया ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। इसके बाद अपन अगले जो टर्न आएगा उस पर अपन सबके मान कार्टेशियन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे। थैंक यू।